आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी ने पोलिंग पार्टी पर लगाया मत पेटी बदलने का आरोप। मतदान समाप्त होने के उपरांत मत पेटी ले जा रही पोलिंग पार्टी पर प्रत्याशी विशेष द्वारा अकबरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बदले जाने का आरोप लगाया, जिस पर प्रधान पद के प्रत्याशी एवं ग्रामीणों ने जबरदस्त काटा हंगामा। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस बल के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट कर रही है जांच। इस ग्राम पंचायत में पुनः मतदान कराए जाने के साथ साथ ही आरोपी प्रत्याशी के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके अभ्यर्थन को हमेशा के लिए निरस्त करने का जिला प्रशासन से ग्राम कर रही है मांग। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी इनहोना अंतर्गत के संडिया मतदान केंद्र के पोलिंग बूथ 205 और 206 की मत पेटी का ये पूरा मामला है। अमेठी से वसीम की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है और किस ग्राम सभा से? मैं घनश्याम सिंह, मेरा नाम है, सरिया ग्राम सभा से हूँ। क्या मामला हुआ? किस हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, चुनाव अच्छी तरीके से सम्पन्न हुआ, बक्से सील हो गए। उसके बाद पूर्व प्रधान इफ्तिखार अहमद भुज्जू, भवानी पासी और उनके तीन चार साथी लेके बक्सा भाग गए। बक्से को टेम्पर कर डाला, तोड़ डाला, उसमें कोई सील नहीं है। उसमें पीठासीन अधिकारी भी मिले हुए हैं, किसी एजेंट के साइन नहीं, किसी प्रधान के साइन नहीं है। बक्सा टूटा हुआ है, बैलेट पेपर गायब हैं और दोनों बक्से सील हैं। सारे पुलिस महकमा देख चुका, चौकी इंचार्ज देख चुके, एसओ महोदय का सबने माना कि यहाँ बक्सा टेम्पर है। और पीठासीन अधिकारी आए, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने भी माना कि यहाँ बक्सा टेम्पर किया गया, सील नहीं है, उसको टेम्पर करके पत्ती बदल दी। आपकी क्या मांग है? उसका उचित कार्रवाई की जाए और चुनाव को वहाँ का भंग किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए और इफ्तिखार अहमद भुज्जू को हमेशा हमेशा के लिए चुनाव से वंचित किया जाए। यह है दूने वाले ब्लॉक प्रमुख जी अंकित पासी जी सामने हैं, उसका आप अंकित जी आप भी गांव से हमको मान सम्मान मिला, एक तरफा वोट हमें मिला है, एक तरफा। मुझे लगता है कि कहीं गलती से जो वोट इधर उधर हो गए हैं, उसके अलावा एक भी वोट इधर उधर गया नहीं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस समय? अब यही है कि सब लोग चल के, सब लोगों दोबारा चुनाव तो होगा ही, उसके अलावा जितने भी इसमें अपराधी उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। किस चीज का लाइसेंस है उनका? अरे लाइसेंस है, जो प्रधानी लड़ रहे हैं, कोशिश ये की जाए वो कभी लड़े नहीं, क्योंकि जो इस तरह का काम कर सकता है और कानून के खिलाफ सब लोग चार पांच प्रत्याशी हैं, उसके अलावा वो अकेला ही इतना बड़ा काम कर सकता है, वो समाज के लिए कितना भयानक हो सकता है, सब लोग जानते हैं। ये क्या नाम है आपका और ये क्या मामला है यहाँ, किस लिए आप लोग अभी घेराव किए थे? मेरा नाम जामिन अली है, मेरा गांव है दलसरैया। सरिया मौजे में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ का इलेक्शन लास्ट में बूथ के जो बॉक्स हुए वो दो बॉक्स आए, एक बॉक्स उनका प्रत्याशी लेके गायब हो गया, बाद में उसकी सील टूटी हुई मिली। कौन से प्रत्याशी लेके गायब? भुज्जू, इफ्तिखार अहमद और भवानी उनके साथी चोर। तो अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? बोले कार्रवाई करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन, गाड़ी को लेके चली गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या कहना है? वो भी देखे, थाना इंचार्ज भी देखे कि हाँ गलती है, सील सब छुटी हुई है उसमें की बॉक्स की, जो बॉक्स लेके गया है। तो क्या बॉक्स में मत पत्र है या पत्र गायब है? पत्र सील टूटी हुई है उसमें का बॉक्स गायब था, वो दूसरे रास्ते से घूम के आया बाइक से, बहुत टाइम के बाद वो बॉक्स। Never miss an update.